तो इसी परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि 40,000 पदों पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती यूपी में करने की तैयारियां चल रही हैं। उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और अक्टूबर माह में आपको ये शिक्षक भर्ती जो व्यवहारिक पटल पर है वो आ जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए जो कि रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। आवेदन कब से होंगे, वेतन कितना होगा, योग्यता क्या होगी, इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस खबर को देख लेते हैं कि कहां पर इन चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। देखिए यहां पर साफ देख सकते हैं कि शिक्षकों के 40,000 पदों पर भर्ती अगले माह यानी कि अक्टूबर माह से। देखिए सूबे के 4,319 सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के 39,704 रिक्त पदों पर भर्ती अक्टूबर के अंत में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी स्कूलों से 7 अगस्त तक खाली पदों की सूचना मांगी थी। यही सूचना अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक महेंद्र देव ने भी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से मांगी थी। प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के 2,749, प्रवक्ता यानी कि पीजीटी के 6,695 व प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 30,260 रिक्त पदों की सूचना दिए जाने की जानकारी मिली है। चयन बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे के अनुसार इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के अंत तक जारी होगा। चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2021 तक सारी भर्ती पूरी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अगस्त अंत में चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार और सदस्यों के साथ बैठक कर साल भर में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। देखिए 1982 में अस्तित्व में आए चयन बोर्ड ने इससे पहले इतने अधिक पदों पर एक साथ भर्ती नहीं निकाली थी। हालांकि चयन बोर्ड ने आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक स्कूल में अध्ययनरत छात्र एवं रिक्त पदों की सूचना जुटाई गई है। यहाँ पर देखें तो दिया है कि अक्टूबर 2021 तक का लक्ष्य है। चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2021 तक भर्ती पूरी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अगस्त अंत में चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश कुमार और सदस्यों के साथ बैठक कर साल भर में भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया है। अपर निदेशक ने भी 4,300 से अधिक स्कूलों से जुटाई जानकारी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 7 अगस्त तक ली थी सूचना। तो जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान लगभग कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर के अंत में ये पटल पर आ जाएगी, व्यवहारिक पटल पर शिक्षक भर्ती जो 40,000 पदों पर है वो आ जाएगी। अब इसके बात कर लें, आवेदन वगैरह ये अक्टूबर लास्ट तक से लिए जाएंगे और वेतन अगर बात करें तो 50,000 प्लस इसमें वेतन रहने की उम्मीद है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में भी 1 वर्ष लगेगा। फिर इसके बाद जो महंगाई भत्ता वगैरह इंक्रीज होके लगभग आपका ये आंकड़ा 50,000 तक पहुंचेगा, 50,000 पर मंथ आपकी झोली में आएंगे। और योग्यता इसके लिए बीएड कंपलसरी होगा, बीएड कैंडिडेट्स के लिए ही ये है शिक्षक भर्ती 40,000 पदों पर, जो टीजीटी पीजीटी और ये कह लें प्रधानाचार्यों की ये सब भर्तियां हैं, इनमें बीएड है, बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के लिए ही बने हुए हैं, वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। देखिए इस शिक्षक भर्ती से संबंधित जो शासनादेश होंगे या विभिन्न प्रकार की चीजें समय समय पर आएंगी उनको आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे।